नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। आपको बता दें कि जम्मू डिवीजन में चोरी की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी अब आम हो गई हैं। चोरों ने बहुत बवाल जो है वो मचाया है। कल की अगर हम खबर की बात करें तो सांबा में भी कई दुकानों में जो है रात को चोरी हुई और उनका वहाँ के जो दुकानदार हैं, जो नागरिक हैं, उनका यह कहना है कि कई दिनों से लगातार चोरी हो रही है। सांबा में भी चोरी की मार को लोग झेल रहे हैं और चोर जो है बेधड़क होकर चोरी कर रहे हैं और किस तरह से इस चोरी को अंजाम देते हैं वो हमने कल सांबा से जुड़ी हुई खबर में देखा। लेकिन जम्मू का हाल भी कुछ पीछा नहीं है सांबा से। आपको बता दें कि जम्मू में भी कल रात देर रात यहां पर चोरी हुई। लगभग 8 से 11 करीब दुकानें कुछ ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर चोरी हुई है और इस समय हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां पर कल चोरी हुई है। और अब इस इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा कि आखिर चोर कहां से आए थे, क्यों ये चोरी उन्होंने किस वजह से करी और कब ये चोरी हुई। चोरों का कोई दीन ईमान तो होता नहीं, लेकिन ये जो चोरी है ये बहुत बड़ा नुकसान उन दुकानदारों को ले जाती है जो काफ़ी मेहनत से अपनी रोज़ी रोटी चलाते हैं दुकान के ज़रिए। तो मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि एक बार दिखा दें यहाँ पर जो शटर है किस तरह से तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो शटर है पूरी तरह से उखाड़ा गया है और सिर्फ यही एक दुकान नहीं है, आसपास की कई दुकानों पर भी जो है चोरी हुई है। बिजली का ये जो सामान होता है यहाँ पर ठीक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये शॉप है। हम ओनर से भी आपकी बात कराएंगे जो दुकान में लोग काम करते रहे हैं कि कितना इनका नुकसान हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आप इस शॉप पर काम करते हैं, दुकान पर? मेरी दुकान। अच्छा, आप ही की दुकान है सर। क्या चोरी हुआ है और स्क्रैप चला गया, कॉपर चला गया है। अच्छा, 80 किलो के करीब चला गया है। कितने बजे करीब हुई होगी, क्या अंदाजा आप? रात को कब घर गए, कब दुकान से? फोटो आया है लेकिन वहाँ 2:15-2:30 के करीब हुआ है। अच्छा, तो कितना पैसा, कोई कैश वगैरह? कोई नहीं था, सिर्फ कॉपर जो नई तार थी वो गई है, तो स्क्रैप पुराना था वो ले गए हैं। अच्छा, तो और कितनी दुकानों में यहाँ पे चोरी हुई आसपास? 10-11 दुकानें हैं टोटली। अच्छा। तीन तो इधर ही हैं, हमारे जो शटर खुले हैं तीन दुकानों के शटर खोल दिए हुए हैं। हाँ। तो क्या आप मतलब सिक्योरिटी, आप जो ताले वगैरह मारते थे कोई हाई सिक्योरिटी ताले इस्तेमाल करते रहे हैं या नॉर्मल? दुकान के ताले खुले नहीं हैं, ताले अच्छे थे वो, दूसरी दुकान के ताले तोड़ दिए हुए, साथ ही लगे हुए हैं। अच्छा, उसका शटर नहीं बेंड किया, इसका शटर बेंड कर दिया, नहीं ताले खुले तो। अच्छा, तो क्या कहेंगे, या प्रशासन की ढिलाई है, पुलिस की ढिलाई है, शहर में बीचों बीच इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है क्या कहेंगे? पेट्रोलिंग तो करते हैं लेकिन अब कैसे हो गया ये तो इन्होंने देखना है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप इस शटर की हालत, कि ये शटर जो है उखाड़ने की पूरी कोशिश जो है शटर को की गई है, अंदर दुकान का जो सामान है वो भी है। और कई ऐसी दुकानें हम आपको दिखाएंगे कि किन किन दुकानों में ये जो चोरी है ये हुई है। फिलहाल जो पुलिस है वो भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है और जो इन्वेस्टिगेशन है इस काम से जुड़ी हुई वो की जा रही है। तो यहाँ पर ये बिजली की दुकानें हैं जहाँ पर चोरी हुई है। आगे हम आपको ले चलते हैं और आगे भी आपको हम बताएंगे कि किन किन दुकानों में चोरी हुई है और क्या क्या चोरी हुई है। ये पूरी की पूरी जो गली है आप देख सकते हैं, इस गली में जितनी भी दुकानें हैं, मतलब कुछ दुकानें ऐसी हैं 8-11 के करीब दुकानें ऐसी हैं जहां पर चोरी हुई है। पुलिस जो है वो तफ्तीश जो है कर रही है आखिर चोरी की वजह क्या है। जम्मू में इस तरह की जब घटना सामने आती है तो प्रशासन पर जो है सवाल है निशान ज़रूर खड़ा होता है, पुलिस डिपार्टमेंट पर, कि आखिर जम्मू की पुलिस कर क्या रही है और ये जो चोरियां हुई हैं इसके पीछे अगर हम कहें तो ज़िम्मेदार कौन है। आप देख सकते हैं इस गली में भी जो है सामने पुलिस अधिकारी हैं और यहाँ पर अब मौके पर आए हैं कि आखिर ये चोरी मतलब किस के कोई ग्रुप है चोरों का जो इस तरह की चोरी को अंजाम देता है, या कब ये चोरी हुई और पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है कौन लोग इसके पीछे ज़िम्मेदार हैं उसे लेकर जो है ये बात अब सामने आएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद में। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। अब इस शॉप में भी जो है आप देख सकते हैं जो शटर है वो किस तरह से मुड़ा हुआ है। कार्ड्स की ये दुकान है, SS कार्ड हाउस ये है, यहाँ पर भी चोरी हुई है और शटर जो है मोड़ा गया है। हम बात करने की जो है कोशिश ज़रूर करेंगे सर। एक तो यहाँ पर जो दुकान के ओनर है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे।
भैया बताइए कि क्या आपकी शॉप से कितना नुकसान हुआ है? भैया कैश लेके गए हैं भैया, और कैमरा और DVR लेके गए हैं। फिलहाल अभी यही उठाया और कुछ नहीं, कैश के लिए आए थे बेसिकली, वो कैश ही लिया, सामान कुछ नहीं लिया ना, सामान को नुकसान किया, नुकसान किया कैमरा, उसकी वायरिंग वगैरह जो भी थी, जितनी इलेक्ट्रॉनिक की वायरिंग थी सर अंदर खुलेगा, वो सारी तोड़ के गए। तो ये कितने बजे के करीब हुआ होगा, कुछ आइडिया आपको? सुनने में आया कि किसी के कैमरे में ये चीज़ दिखने को मिली है कहीं आगे किसी और दुकान वाले के, तो कोई 2:30 बजे की बात है। तो आपने तालों को अच्छे, मतलब जो आपके शटर के ताले हैं, क्या हाईटेक ताले आप इस्तेमाल नहीं करते थे या किस तरह से? हाईटेक जितना भी करें आप, अगर मैं दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको खोला है जी। हाँ, यहाँ पे कुछ इमेजेस भी हैं जो हमारे सुबह का व्यू था जब हम यहाँ पे, कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाने का, ये सुबह का व्यू है जब आप आए। तब इस तरह था, ताला खुला नहीं। जी जी, और कोई इमेजेस होंगी आपने उसके बाद जो? ये यहाँ अंदर की है, ये तोड़ा था उन्होंने जी, कैश निकाल के गए जी। ओके, तो क्या कहेंगे आप, पुलिस की ढिलाई है, प्रशासन की ढिलाई है? क्योंकि जम्मू में इस तरह की अभी तक की बड़ी घटना है, सांबा में भी जो कल है चोरी हुई है कई दुकानों में और बहुत नुकसान होता है, तो कैसे इसकी भरपाई होगी, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सर हम क्या कुछ नहीं बोल सकते इसमें भैया, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, हम किसी को भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये बात होती है एक बंदे की, तो हम किसी को एक बंदे को पर्सनली उसको जिम्मेदार ठहराते, ये ऊपर से बातें होती हैं सारी चीज़ें, हर किसी की ढील होती है इसमें, हर किसी की, तभी ये सारी चीज़ें होती हैं, एक बंदा करे तो नहीं होती है सारी। मेन रोड पर आपकी शॉप है, सिटी के बीचों बीच गए? आज से नहीं है, दुकानों में तो आज पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी यहाँ पे गाड़ियों की चोरी आम होती है। 3 दिन पहले ऑटो है शहर हम गायब हुआ था, ऑटो गाड़ियाँ की चोरी होती है, टायर गायब होते हैं गाड़ियों के, यहाँ से चोरियाँ आगे भी यहाँ पे। पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम उतना शिद्दत से नहीं कर रही, मे भी हो सकता है नहीं होता, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक डर नहीं किसी, जब किसी को किसी का डर नहीं होता तभी तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जब किसी को डर होता है किसी चीज़ का तो वो नहीं करता है, यहाँ पे डर नहीं है तभी वो इसी सारी चीज़ें करता है। आगे अपने आप को आप किस तरह से अपनी शॉप को आप सेफ रख सकते हैं, क्या सोचते हैं? हमारे आदमी ये, क्योंकि हम तो यहाँ पे नियरेस्ट में तो रहते नहीं, हम ये कर सकते हैं कि भाई कैश आगे से हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, बाकी हमारे पास और है क्या है, कार्ड्स का मटेरियल है, पेपर है, केमिकल है, इंक्स हैं, वो तो किसी के काम की नहीं है जी। हाँ, तो बाकी यही कर सकते हैं आगे से कि हम कैश अपने पास यहाँ पे नहीं रखें, ज़्यादा ज़्यादा यही अवॉइड करेंगे कैश रखना। तो आपने सुना कि क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि यहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है, गाड़ियों की भी चोरी होती है कई बार, ऑटो कई बार, कार्स, और इस तरह से जब इतनी अच्छी शॉप्स में जो इतनी वेल सिक्योर्ड अगर कहें तो होती है, और शहरों के बीच बीच में जब इस तरह की चोरी होती है तो बड़े सवाल निशान जो हैं वो खड़े होते हैं प्रशासन के लिए और ख़ासतौर पर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे भी कई दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चोरी हुई है, अब आपको बताते हैं कि और किन किन जगहों पर ये चोरी हुई है। और यहाँ पर मैं कहूँ तो और भी दुकानें हैं, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं, अगर इनसे कुछ पूछा जाए। सर क्या तफ्तीश कर रहे हैं आप, कुछ कहेंगे? अरे यार मेरे से क्या पूछ रहे हैं, साहब से पूछो, उधर पूछो दुकानदार से। सर आप कुछ बताएंगे कि यह चोरी हुई, कौन जिम्मेदार, कोई जवाब सर आपके पास, आप कुछ कमेंट करेंगे? सर क्या कुछ कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो बस वही थोड़ा वेरीफाई कर रहे हैं चीज़ों जी। तो आप देख सकते हैं कि पुलिस भी अभी कुछ कह नहीं पा रही, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस तरह की इनकी ये बात है और पुलिस भी इस मामले में अभी चुप है, कोई जवाब नहीं है हमारे सवालों के। आगे बढ़ते हैं, आगे भी कोई शॉप्स हैं वहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, लगभग 8 से 11 के करीब ये दुकानें हैं जहाँ पर चोरी हुई है। आप देखिए मीडिया के और लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो है कब से, क्या कहेंगे आपकी शॉप से क्या चोरी हुआ है? सर हमारी शॉप से पैसा चोरी हुआ है, कैश। कितना कैश था? कोई 25,000 रुपये कैश जी। तो इतनी दुकानों में चोरी हुई है, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? सर किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कोई गार्ड है, ना कुछ है, किस ना किसका तो रिज्यूम होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अभी चलो क्यों चोरी हो रही है, 11 दुकानों की चोरी हो रही है, नेशनल हाईवे पर चोरी हो रही है जी, कुछ ना कुछ तो एक्शन होना चाहिए जी जी। और सांबा में भी कल बहुत चोरियां हुई हैं दुकानों में, सांबे में भी कल क्या 15 दुकानों में चोरी है। नहीं, पहले आरएसपुरा के बिश्ना एरिया में चोरों ने दुकान, परसों सर अभी कोई 4-5 दिन पहले ऑटो चोरी हुआ है यहाँ से
जी ऑटो चोर या उसका भी कोई रिपोर्ट सपोर्ट लिखी हुई है सीसीटीवी फुटेज से कोई सर नहीं कोई पता नहीं लगता सर क्या पता लगेगा सीसीटीवी से नहीं हमारी दुकान पे नहीं है पुलिस के साथ कोई बातचीत नहीं सर हमारी कोई बात नहीं कोई बात नहीं तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है इनकी दुकान से लगभग 25,000 के करीब जो है वो चोरी हुई है यहाँ पे भी एक हम आपको दिखाएंगे शटर जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ है शटरों को इस तरह से खोला गया है तारों को तोड़ा ये जो ताले हैं उनको तोड़ा गया है बड़ी ज़बरदस्ती से जो है इन हैवी शटर्स को ऊपर किया गया है कहीं से कैश निकाला गया है कहीं से ज़रूरी सामान जो है वो निकाला गया है अपने आप में ये बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है कि दूर दराज गाँव तो लोग समझ में सकते हैं कि जहां पर प्रशासन इतना मजबूत नहीं है जहां पर कानून मजबूत नहीं है वहां पर ये जब ऐसी बातें हों तो एक अलग बात होती है लेकिन जम्मू में नेशनल हाईवे के साथ में और शहर में जहां पर पुलिस अधिकारी इतने मौजूद रहते हैं जहां पर सुरक्षा के जो कड़े इंतज़ाम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बावजूद उसके जब चोर आते हैं और अपना जो काम है वो करके चले जाते हैं और पुलिस के पास भी कोई ख़ास जवाब नहीं होता देने के लिए इनसे पूछते हैं सर आपकी दुकान से क्या चोरी हुआ है भैया मेरे को अभी कुछ मालूम नहीं कि क्या चोरी हुआ अच्छा तो आपकी ये दुकान है क्या बिजनेस आपका क्या रहता है हमारा कटर्स का काम है सोफे का फैब्रिक है हमारे पास बल्कि रॉ मटेरियल होलसेल का हमारा पीछे हमारा कटर का जहाँ पे थोड़ा बहुत कटर्स का है मैट्रेस का होलसेल है जी आए दिन सर यहाँ पे चोरी होती रहती है आसपास की जगह फर्स्ट टाइम हुआ अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ कभी नहीं हुई हमारे पास चोरी ना कुछ ना ओके तो अभी क्या आपकी डिमांड है क्या गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट से हमने क्या डिमांड करनी है भैया जो तो देखो अभी क्या करते हैं पुलिस आई हुई है देखते हैं वो क्या कर रहे हैं एक्शन तो वही लेंगे ना जी ठीक है तो अब आगे की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं आपने सुना कि यहाँ पर कुछ दुकानदार डरे हुए भी हैं कई बार वो पुलिस के सामने रहते ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पुलिस भी यहाँ पर आई है लेकिन उनसे सवाल जब किए गए कि आखिर ये चोरी हुई क्यों कौन जिम्मेदार है यहाँ पर आसपास जगहों पर पहले भी चोरी होती रही है लेकिन अभी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है बहुत सारी ऐसी यहाँ पर दुकानें हैं लगभग 8 से 10, 11, 12 के करीब जो दुकानें हैं उनमें कल रात चोरी हुई है सीसीटीवी कैमरा से बताया जा रहा है कि कहीं पे सीसीटीवी कैमरा में उन चोरों की तस्वीरें भी सामने आई हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी जारी रहेगी यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी हैं आसपास के जगह के लोग भी यहाँ पर आए हैं इस मामले को लेकर वो भी चिंतित हैं हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे आम पब्लिक से फिलहाल आपको बता दें कि ये जो चोरी का मामला है ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस मामला है आप कुछ कहेंगे आप यहाँ लोकल हैं क्या कहेंगे चोरी होती रहती है क्या कहेंगे आप हम यहाँ के लोकल हैं हम बाहर के हैं लेकिन मालूम नहीं रात को हुआ कैसे हुआ हमको इतना मालूम नहीं है हम तो सुबह आके हमको मालूम चला यहाँ पे हाँ जी सर आप कुछ कहेंगे क्यों हमें कुछ पता हम पीछे रहते अभी पता चला हमें पहले भी कभी हुई है आसपास के पहले नहीं है कभी तो फिर भी प्रशासन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए जम्मू शहर गोरखा रहता है चौकीदार है यहाँ चौकीदार है ना इधर अच्छा चौकीदार होते हुए भी ये सब चौकीदार को ढूंढो ना उसको पता होगा इधर ही बैठा होता रहा 10 बजे आता है इधर गलियों में ये दुकान में सबसे पैसे देता है वो ये हमारी ये दुकान है सूर्या वाला साटू में इससे भी जिससे 300-300 रुपये महीना देता है वो चौकीदार जो अच्छा लेकिन वही है कि पुलिस भी यहाँ पर आई अभी कुछ जवाब पुलिस के पास भी नहीं है अभी पुलिस देख रही है ना पता चलेगा क्या, क्या कैसे हुआ कर रही है सारे ही लगे चोरी हुआ शनिवार को यहाँ से ऑटो शनिवार को गया इधर से मिला नहीं कंप्लेंट किसी ने लिखाई है लिखाई होगी ऑटो वाले ने लिखाई होगी नई बस्ती में रहता लिखाई होगी उसने लिखाई होगी तो सुना आपने क्या कुछ कहना है इन लोगों का इनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ऑटो की भी जो चोरी है वो कुछ दिन पहले हुई थी कंप्लेंट लिखाई गई थी बहरहाल ये बेहद चिंताजनक बात है और शर्मसार कर देने वाली बात है जम्मू के डिवीज़न की बात करें तो सांबा में भी कल चोरी हुई थी आरसपुरा इलाके में लेकिन यहाँ पर जम्मू हाईवे के पास में ये जो चोरी है 8-10-11 दुकानों के करीब ऐसी जो है चोरी हुई है और ये बेहद चिंताजनक बात है
हमारी पुलिस क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और लोग जब घरों में आराम की नींद सोते हैं लेकिन वो भरोसा जो होता है वो सरकार के लिए होता है और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट पर होता है कि हम सो रहे हैं तो पुलिस जाग रही है। पुलिस को अपनी गश्त लगाने में शायद कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि हाईवे के पास जब ये दुकानों में चोरी हुई है तो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इतने बिजी रोड पर और इतने शहर के बीचों बीच अगर कहें तो जब इस तरह की वारदात सामने आती है तो सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े क्वेश्चन जो हैं वो उठते हैं, आखिर सिक्योरिटी पर्सनल पुलिस अधिकारी कर क्या रहे हैं। हमने यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से भी बात की लेकिन वो चुप रहे, उनका कहना अभी तक कुछ भी नहीं है इस मामले में, वो क्या कहेंगे क्योंकि उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है आगे चल रही है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन पड़ेगी जी, चौकीदार के रहते हुए काम हुआ है ये, तो इनका भी ये कहना है कि चौकीदार जो है बकायदा यहाँ पर लगाया गया है लेकिन चौकीदार के होते हुए भी ये सब हुआ है। यहाँ के जो दुकानदार हैं चौकीदार को महीने दर महीने जो पैसे हैं वो देते रहते हैं, जिसकी तनख्वाह है वो देते रहते हैं, लेकिन फिर भी हाईवे के पास इन दुकानों में चोरी हुई है। 8 से 11 के करीब ये दुकानें बताई जा रही हैं, कहीं से कैश चोरी हुआ है तो कहीं से सामान चोरी हुआ है, शटर को तोड़ा गया है। लोग ये कहते हैं कि पहले भी यहाँ चोरियाँ होती रही हैं लेकिन कोई बड़े कदम जो है वो प्रशासन द्वारा नहीं उठाए गए हैं। तो ये थी इस वक्त की एक बड़ी न्यूज़ अपडेट। आप सुरक्षित रहिए, अपने आसपास भी ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, और प्रशासन से भी यही हमारी गुहार है और ख़ास तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट से भी यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जल्द से जल्द देखें और जिम्मेदार जो लोग हैं इसके पीछे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएँ वारदातें शहर के बीचों बीच होती हैं तो बहुत बड़ा सवाल निशान जो है हमारे प्रशासन पर लगता है और खास तौर पर पुलिस अधिकारियों से। तो ये थी इस वक्त की बड़ी न्यूज अपडेट। परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए आप, मुझे दीजिए इजाजत, मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ नमस्कार।